टू यू के मौजूद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और तारीख के जरूकों से आपको खुश आमदीद कहते हैं। 12 अक्टूबर के हवाले से दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़ात, अहम शख्सियात की विलादत और वफात के मुतालिक आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यूज़ टू यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। 12 अक्टूबर 1492 को कोलम्बस के 3 जहाज़ों में से एक जहाज़ पेंटा ने समंदर से नई दुनिया दरियाफ्त की। ये इलाका सैन सल्वाडोर का था। 12 अक्टूबर 1879 को बरतानवी फौजों ने काबुल पर कब्जा कर लिया। 12 अक्टूबर 1986 को मलका एलिजबेथ दोम चीन का दौरा करने वाली पहली बरतानवी ताजदार बनी। 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में फौजी इक्तदार कायम कर दिया। 12 अक्टूबर 2002 को इंडोनेशिया के जजीरे बाली में कुता के मुकाम पर एक धमाके के नतीजे में 202 अफराद जान से गए और 209 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से ज़्यादातर गैर मुल्की सियाह थे। ये हादसा इंडोनेशिया की तारीख में होने वाला ख़तरनाक तरीन हमला था। 12 अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज इंजमामुल हक बैन अल-अक्वामी क्रिकेट से रिटायर हो गए। 12 अक्टूबर के दिन अहम शख्सियात की विलादत और वफात के मतलब आपको आगाह करते हैं। 12 अक्टूबर 1958 को अमेरिकन वकील और सियासतदान स्टीव ऑस्ट्रिया की पैदाइश हुई। 12 अक्टूबर 2012 को भारतीय जज और सियासतदान सुखदेव सिंह की वफात हुई। सुखदेव सिंह केरला के गवर्नर भी रह चुके हैं। नाजरीन, ये थे 12 अक्टूबर के हवाले से दुनिया भर में होने वाले अहम वाक़ात, अहम शख्सियात की विलादत और वफात, जिनके मुतालिक आपको आगाह किया गया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ टू यू और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट न्यूज़ टू यू .com.pk। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।